हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आयुर्वेदा क्रिएशन पे। आज का हमारा टॉपिक है चरक सिद्धि अध्याय 7, जिसका नाम है वस्ती व्यापार सिद्धि अध्याय। इसमें हम निरु बस्ती की व्यापद और प्रतिकार के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम निरु बस्ती के 12 व्यापत्तियां देखते हैं, जिसमें आयोग, अतियोग, क्लम, आदिमान, हिक्का, हृदय प्राप्ति, उर्ध्वगमन, प्रवाहिका, शिराशूल, अंगों में वेदना और परिकर्तिका परिश्रम, ये निरु बस्ती के 12 व्यापद हैं। अब इनमें हम सबसे पहले देखते हैं आयोग। आयोग में बताया गया है गुरु कोष्ठी, अर्थात जो कोष्ठ है व्यक्ति का वो गुरु या क्रूर कोष्ठी है। जिन व्यक्तियों में कोष्ठ में वायु अधिक भरी होगी, अर्थात वात प्राय होगा कोष्ठ में, जिनका शरीर रुक्ष होगा या जो व्यक्ति वात प्रधान होंगे, ऐसे व्यक्ति में शीतल बस्ती, अर्थात जिस द्रव में नमक कम पड़ा हो, स्नेह कम पड़ा हो, अर्थात द्रव कम अर्थात गाढ़ी होगी, ऐसी बस्ती का प्रयोग किया जाता है। तो वह दोषों में क्षोभ उत्पन्न कर देती है, दुर्बल होने के कारण दोषों को बाहर निकालती है, कोष्ठ को भारी बना देती है। ये इसके लक्षण है, जिसमें गुरु कोष्ठ था, वात मूत्र मल का रुकना, नाभि, बस्ती मिरुजा, दाह, हलाश, गुद, शवतु, कंडू, वैवर्ण्य, आयुचि, बहिमाधु, ये इसके लक्षण है। अब इसके चिकित्सा पे आते हैं, तो उसमें उष्ण प्रमथ्या का पान कराया गया, फलवर्ती का प्रयोग कराया गया और विरेचन कराया गया। अब अति योग में आते हैं, तो मृदु कोष्ठी व्यक्ति में तीक्ष्ण उष्ण बस्ती दे दी जाएगी, तो वो अति योग का कारण बनेगा। इसके क्या लक्षण होंगे? जो वमन और विरेचन के लक्षण होते हैं, उसी के समान इसके लक्षण होंगे। इसकी चिकित्सा पे आते हैं, तो इसमें पीठीवन आदि के कल को दूध में घोलकर घृत मिलाकर बस्ती देंगे, फिर शोधन के समान चिकित्सा करेंगे, अर्थात वमन विरेचन के समान चिकित्सा करेंगे। अब आते हैं क्लम पे। तो क्लम में यदि रोगी के शरीर में आम दोष शेष रह गया, तो ऐसी अवस्था में अगर उसे निरु बस्ती दी जाए, तो उसे पित्त कफ आम दोष के साथ कुपित होकर वायु के मार्ग को रोक देते हैं, जिसकी वजह से अग्नि का नाश होगा, मूर्छा, क्लम, विदा, हृदय शूल, वेष्टन और गुरुता हो जाएगी शरीर में। इसकी चिकित्सा हम करेंगे रुक्ष, श्वेदन, पाचन चिकित्सा करेंगे, दीपनीय, क्षार का प्रयोग करेंगे, मधु तैलिक बस्ती तथा गोमूत्र और लवण का प्रयोग करेंगे। अब आते हैं आदिमान पे। जिन व्यक्तियों के शरीर में दोष की मात्रा अधिक हो, या शरीर रुक्ष हो या क्रूर कोष्ठी हो, तो ऐसे पुरुष में अल्प वीर वाली यदि बस्ती दी जाएगी, तो वह बस्ती दोषों द्वारा आवृत हो जाती है, अतः उसके द्वारा निकलने वाला मार्ग बंद हो जाता है। तो ऐसी अवस्था में मर्म का पीड़न होता है, विदा होता है, कोष्ठ में भारीपन, अंड कोष तथा वंक्षण में वेदना होती है, शूल से हृदय कार्य अवरोध हो जाता है, अर्थात हृदय कार्य में रुकावट होती है। इसकी चिकित्सा करेंगे तीक्ष्ण गुदावर्ती, स्नेहन शोधन, उसके बाद तीक्ष्ण निरुबस्ती का प्रयोग करेंगे और उसके बाद सरल और देवदारू से सिद्ध अनुवासन बस्ती का प्रयोग करेंगे। अब आते हैं हम हिक्का पे। यदि मृदु कोष्ठ वाले और दुर्बल व्यक्तियों में अति तीक्ष्ण बस्ती दी जाएगी, तो वह दोषों को अधिक रूप से निकालते हुए हिचकी को उत्पन्न करती है। ऐसी दशा में हिक्का रोग नाशक तथा ब्रिंगण चिकित्साओं का यूज करेंगे हम। इसके लक्षण भी हिक्का के समान होते हैं, जो पीछे चिकित्सा स्थान में बताई जा चुकी है। अब हिक्का रोग नाशक चिकित्सा में तथा ब्रिंगण चिकित्सा का यूज करेंगे। इसमें अनुवासन बस्ती देंगे, पिपली और सैंधो मिलाकर तथा उष्ण जल से पान कराएंगे। अब आते हैं प्रवाहिका पे। प्रवाहिका में अधिक दोष वाले व्यक्तियों का स्नेहन शोधन कराने के बाद यदि उन्हें मृदु या अल्प औषधि द्वारा बस्ती दी जाए, तो वह बस्ती दोषों को उभारकर थोड़े ही रूप में दी बाहर आती है। ऐसी अवस्था में पूरे दोष नहीं निकालने पर बस्ती का जो द्रव्य है वो प्रवाहिका रोग को उत्पन्न कर देता है। इसके सिम्टम्स आते हैं बस्ती, गुदा में शोक, जंगा और रू में सदन, अपान वायु का अवरोध और प्रमाहन। इसकी चिकित्सा करेंगे लंगन, श्वेदन, अभ्यंग, शोधनीय तथा अनुलोमक द्रव्य के द्वारा निरोग बस्ती देंगे, उसके बाद आहार विहार का सेवन कराएंगे। अब आते हैं ऊर्ध्वगमन पे। ऊर्ध्वगमन में निरोग बस्ती देने के बाद आए हुए जो बात मूत्र और मल के वेग को रोक लिया जाता है, या बस्ती पुटक के अति तीव्र वेग के साथ दबा देने से जो द्रव्य है वह औषधि मुख से बाहर आने लगती है। इसमें जो लक्षण आते हैं, उसमें मूर्छा होने पर शीतल जल से मुख का सिंचन करेंगे, पार्श्व उदर का नीचे की ओर मर्दन करेंगे, शीतल हवा तथा वस्त्र और हाथ से गले का दबाना है, पर इतना नहीं दबा देना कि व्यक्ति की मृत्यु हो जाए। उसके बाद शिरा स्थित होने पर जो औषध द्रव्य वो शिरा में अगर स्थित हो, तो नावन, धूम्रपान शीर पर शैशव से लेप करेंगे। अगर उरा स्थित है, तो उसे बिल्व आदि पंचमूल से निरुबस्ती का सेवन कराएंगे। पक्वाशय में स्थित हो, तो उदर, स्वेदन, दशमूल निरुबस्ती का प्रयोग करेंगे। कुलथ को गोमूत्र में पकाकर निरुबस्ती देंगे। शिराशूल दुर्बल क्रूर कोष्ठी तीव्र दोष में तनु मृदु या शीत या अल्प बस्ती देंगे, तो
ग्रीवा मन्यास्तम शिराकंठ में भेदनवत पीड़ा होगी, बाधिरता कर्णन पीनस तथा नेत्र विभ्रम हो जाएगा। इसकी चिकित्सा करेंगे हम, तैल लवण सेवन कराएंगे, प्रदमन नश देंगे, वैरेचनिक धूम्र का पान कराएंगे, तीक्ष्ण बात अनुलोमक व बस्ती देंगे, फिर भोजन में स्नेह से सिद्ध पुरुष को कराकर अर्मासन बस्ती देंगे। अंगमर्द, अंगमर्द के कारण क्या, बिना स्नेहन शोधन के गुरु तीक्ष्ण अति मात्रा में अगर उसे बस्ती दे देंगे तो कोष्ठ में जकड़ाहट, उदावर्त, तोद, गात्र वेष्टन, भेदनवत तथा फलकराहट या झुम्र आएगी उसे। इसकी चिकित्सा करेंगे, सिर पर नमक एवं तेल की मालिश कर उष्ण जल से परिषेक कराएंगे, एरंड पत्र का क्वाथ तथा प्रस्तर स्वेदन का प्रयोग करेंगे, निरुबस्ती और गाहन बिल्व तेल से अनुवासन बस्ती देंगे। फिर परिकार्तिका, मृदु कोष्ठ या अल्प दोष में रुक्ष तीक्ष्ण या अति मात्रा में अगर बस्ती देते हैं तो त्रिक पंक्शन में मूत्राशय में तोद होगा, नाभि के नीचे वेदना होगी और विबंध हो जाएगा। इसकी चिकित्सा करेंगे, ईख तथा शीतल औषधि से सिद्ध किए हुए दूध में मुलेठी तिल कल का मिलाकर बस्ती का प्रयोग करेंगे, क्षीरयुक्त भोजन या केवल दुग्ध आहार पर रखेंगे व्यक्ति को, बस्ती प्रयोग काल में अम्ल द्रव युक्त मृदु भोजन कराएंगे उसे। परिश्रव, पित्त रोग से पीड़ित व्यक्ति में अम्ल उष्ण तीक्ष्ण अथवा लवण रहित निरुपस्थित देने से वह गुदा का लेखन करती है या काट देती है या गुदा में दाह उत्पन्न करती है। यह विदग्ध बस्ती जो है रक्त और पित्त को अनेक वर्ण के रूप में निकालती है तथा रक्त और पित्त का बहु वेग से सरण करती है जिसकी वजह से व्यक्ति को मूर्छा आती है। इसमें चिकित्सा करेंगे, आद्र शालमली वृंद का या फूल के डंठल का अजा दुग्ध में पाक करके घी के साथ निरुपस्थित का प्रयोग करेंगे, शीत मधु द्रव्य से गुदा पर परिषेक करेंगे, प्रदेह करेंगे, रक्त पित्त चिकित्सा तथा अतिसार की चिकित्सा करेंगे। अब यहाँ देखेंगे मृदु और तीक्ष्ण बस्ती, यदि गौमूत्र से पीलू चित्रक सेंधा नमक यौचर और सरसों का कल्प मिलाकर बस्ती दी जाए तो उसे तीक्ष्ण बस्ती कहते हैं, यदि बस्ती दूध आदि मधुर और शीतल द्रव्य से मिलाकर दी जाए तो उसे मृदु बस्ती कहते हैं। बस्ती का प्रभाव, पक्वाशय में स्थित बस्ती अपनी शक्ति के द्वारा पैर के तलवे से लेकर मस्तिष्क तक रहने वाले सभी दोषों को खींचकर बाहर निकालती है। उसी प्रकार जिस प्रकार आकाश में रहने वाला सूर्य अपनी शक्ति के द्वारा पृथ्वी के रस को खींच लेता है। यहाँ हमारा बस्ती व्यापद सिद्धि अध्याय खत्म होता है। थैंक यू।